नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की नई मेजेंटा लाइन पर एक सवारी की, जो पहली बार पड़ोसी नोएडा के साथ राजधानी को जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा से मैरीगोल्ड फूलों वाले नए मेट्रो को ध्वजांकित किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ओखला बर्ड अभयारण्य के लिए यात्रा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हालांकि आमंत्रित नहीं किया गया था। दिल्ली के सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने सस्ते राजनीति पर केजरीवाल को छोड़कर केंद्र का आरोप लगाया। आज मेगेंटा लाइन के 12.6 किलोमीटर के खंड में दक्षिण दिल्ली के कालकाजी और नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से जुड़ने का मौका मिला। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन लॉन्च करने के लिए यहां आपकी 10 सूत्री चीट शीट है। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की तरफ से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक क्रिसमस मनाने चाहता हूँ, राजनीति पर चर्चा नहीं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने रविवार को मोदी सरकार पर अरविंद केजरीवाल के प्रति घृणा का आरोप लगाया। यह तीसरा मेट्रो लॉन्च है जिसे केजरीवाल को 2015 से आमंत्रित नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी तीन बार सम्मान किया था। पिछले हफ्ते मेजेंटा लाइन पर एक परीक्षण चलाने के दौरान एक ड्राइवहीन ट्रेन नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन पर एक दीवार के माध्यम से चलाई गई थी, क्योंकि ब्रेक मानव त्रुटि के कारण कथित रूप से नहीं जुड़ा था। अक्टूबर में किराए में 20-50% की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली मेट्रो ने एक दिन में 3 लाख यात्रियों को खो दिया था, सूचना का अधिकार RTI का पता चला है। अक्टूबर में लगभग प्रत्येक दूरी की स्लैब के लिए टिकट की कीमत 10 रुपये बढ़ी। एक और वृद्धि के बाद सिर्फ 5 महीने बाद 100% तक की वृद्धि हुई। अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो किराए में वृद्धि के कारण केंद्र की आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वृद्धि ने किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाया। मेगेंटा लाइन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित की जाने वाली तीसरी मेट्रो लाइन है। उन्होंने पहले जून में राष्ट्र को कोची मेट्रो और नवंबर में हैदराबाद मेट्रो को समर्पित किया था।